हाय बच्चों, स्वागत है आपका ई लर्निंग विथ राकेश चैनल पर। देखिए, आज हम नंबर सिस्टम में HCF एंड LCM की बात करेंगे। देखिए, HCF हमारा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। HCF ऑफ टू आर मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए, इसको HCF का एक और दूसरा नाम है GCD, मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मेरे से पूछ दिया है कि एट, सिक्सटीन और फोर्टी में HCF फाइंड आउट करो, फाइंड HCF, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले इसको देखिए, एट का जो फैक्टर करेंगे, वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ऐसे सिक्सटीन का क्या हो जाएगा? टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू। वैसे फोर्टी का टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। तो देख लेंगे कि इसमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन। देखिए, एक तो वन वन वन, टू, थ्री, ये देखिए, वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू मीन्स एट। तो जो मेरा HCF निकल के आया, एट, सिक्सटीन और फोर्टी का, वो एट आया। वैसे ही देख लेते हैं LCM। LCM का जो डेफिनेशन हो जाएगा, LCM ऑफ टू आर मोर नंबर इज द लीस्ट और अ लोवेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ देम। देखिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मेरे से पूछ दिया गया है कि एट, सिक्सटीन और फोर्टी में फाइंड LCM, तो एट को वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू, वैसे सिक्सटीन को वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, वैसे फोर्टी वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू फाइव। तो देखिए, इसमें जो कॉमन तो रहेगा लिस्ट कॉमन वाला, तो मोस्ट कॉमन हो गया, ए भी है, ए भी है और ए भी है, ये तो हमारा होंगे ही होंगे, वन इंटू टू इंटू टू इंटू टू। और देखिए, ये और ए भी हमारे होंगे, टू इंटू फाइव, कितना हो गया यहाँ पे? एट्टी। तो एट, सिक्सटीन और फोर्टी का जो LCM होगा मेरा 80 हो जाएगा। देखिए, अगर मेरे से पूछ दिया गया कि किसी फ्रैक्शंस का LCM और HCF निकालने, तो फ्रैक्शंस वाला भी सीख लेते हैं। देखिए, HCF ऑफ फ्रैक्शंस कितना हो जाएगा? HCF ऑफ फ्रैक्शंस देखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? HCF ऑफ फ्रैक्शन
इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, और मेरा वैसे ही एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा मेरा, एलसीएफ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, अगर मेरे से पूछ दिया गया कि 1 बाई 2, 2 बाई 3 एंड 3 बाई 7 फाइंड एच सी एफ एंड एलसीएम बोथ, तो एच सी एफ पहले देख लेते हैं। एच सी एफ, एच सी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखिए एल सी एफ ऑफ न्यूमरेटर मेरा 1, 2, 3, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर 2, 3, 7, 2, 3, 7। तो यहाँ से मेरा एच सी एफ 1, 2, 3 में क्या हो जाएगा, 1 मेरा है एच सी एफ हो जाएगा, और एल सी एम कितना हो जाएगा, एल सी एम मेरा हो जाएगा 42 मेरा एलसीएम हो जाएगा। अगर इसका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, एलसीएम ऑफ वन टू एंड थ्री डिवाइड बाय एचसीएफ ऑफ टू थ्री सेवन। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा उसका, 6 डिवाइड बाई एच सी एफ 2, 3, 7 का क्या हो जाएगा, 1। तो मेरा जो एलसीएम निकल के आया वो 6 निकल कर आया, और एच सी एफ मेरा 1/42। देखिए कुछ अलजेब्रिक फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूला। देखिए हमारे पास जो पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वैसे ये दूसरा कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा कौन सा फार्मूला हो जाएगा,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और सिक्स फार्मूला, फोर्थ मेरा कौन सा फार्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिफ्थ फार्मूला देख लेते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। सिक्स फार्मूला, जो कि इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए हमारे पास यही छह फार्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए इसमें नंबर आप जीरोज देखेंगे कि अगर हम मुझे मान लीजिए पूछ लिया कि 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स आप जीरोज होते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोज। काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होता है, देखिए शॉर्टकट देखते हैं। मान लीजिए कोई n फैक्टोरियल नंबर है और इसमें फाइंड करना है मुझे नंबर्स ऑफ जीरोज, कितने नंबर्स ऑफ जीरोज है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, नंबर्स ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज इक्वल्स टू एन अपॉन फाइव प्लस एन अपॉन फाइव स्क्वायर प्लस एन अपॉन फाइव क्यूब, इसी टाइप से चलते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, एक एग्जांपल पूछ दिया गया कि 100 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स ऑफ जीरोज होंगे, तो देखिए नंबर्स ऑफ जीरोज यहाँ पे जो हो जाएंगे, नंबर्स ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 5 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 स्क्वायर प्लस 100 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 100 बाई 125 हो जाएगा, तो ये जीरो। तो यहाँ से जो नंबर्स ऑफ जीरोज निकल कर आए वे 24 नंबर्स ऑफ जीरोज निकल। वैसे ही 100 फैक्टोरियल में देखते हैं कि 100 फैक्टोरियल में, अब 10 फैक्टोरियल में देखते हैं 10 फैक्टोरियल में कितने नंबर्स ऑफ जीरोज होते हैं, तो हमारे 10 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरोज हो जाएंगे, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे 2 प्लस 10 बाय 25 मीन्स 0 2। 10 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2 और 100 फैक्टोरियल में नंबर्स ऑफ जीरोज हो जाएंगे 24। देखिए अब साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि साइक्लिसिटी
देखिए साइक्लिसिटी ऑफ वन वन टू द पावर एन अगर होगा तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आ जाएगी वन ही रहेगी, और वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ टू के लिए देखते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ टू 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 द पावर वन इक्वल्स टू टू, टू टू द पावर टू फोर, टू टू द पावर थ्री एट, टू टू द पावर फोर सिक्सटीन, टू टू द पावर फाइव 32, 64. तो देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ से यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया आफ्टर फोर साइकिल. फर्स्ट साइकिल में 2 आ गया यूनिट डिजिट, सेकेंड में 4, थर्ड में 8, फोर्थ में 6. तो वैसे ही जब फिफ्थ साइकिल जब आ गया तो मेरे पास अगेन यूनिट डिजिट 2 आ गई और यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया. तो 2 के लिए जो हमारे पास साइकिल पीरियड जो होते हैं वो 4 होते हैं. और वैसे ही देख लेते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 3 टू पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 टू पावर 2 9, 3 टू पावर 3 27, 81. वैसे 3 पावर 5 कितना हो जाएगा 243. थ्री पावर 6 7 29. देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया आफ्टर 4 साइकिल. तो इसका भी जो 3 का भी साइकिल पीरियड होता है वो 4 होता है. वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ 4 का देख लेते हैं. 4 टू द पावर 1 इक्वल्स टू 4, 4 टू द पावर 2 इक्वल्स टू 16, 4 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 64, 4 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 256. तो देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि अगर 4 टू द पावर ऑड नंबर होगा, अगर 4 टू पावर ऑड कोई भी ऑड नंबर होगा तो इसका यूनिट डिजिट जो हमारे पास निकल के आएगी वो 4 आएगी. और 4 टू द पावर इवन नंबर कोई होगा तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगी वो 6 आएगी. देखिए 4 का साइक्लिसिटी में यही मेरा एक कॉन्सेप्ट था. वैसे ही 5 का साइक्लिसिटी देख लेते हैं. साइक्लिसिटी ऑफ 5 125. देखिए यहाँ पे अगर 5 टू पावर एनीथिंग तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट निकल कर आएगी वो 5 ही रहेगी. और वैसे ही 6 का हम देख लेते हैं. साइक्लिसिटी ऑफ 6 6 पावर 1 इक्वल्स टू 6, 6 स्क्वायर इक्वल्स टू 36, 6 पावर 3 इक्वल्स टू 216. तो देखिए यहाँ पे भी 6 टू पावर एनीथिंग यूनिट डिजिट विल बी 6. देखिए वैसे ही साइक्लिसिटी ऑफ 7 का देख लेते हैं. सेवन टू पावर 1 इक्वल्स टू 7, 7 स्क्वायर इक्वल्स टू 49, 7 क्यूब इक्वल्स टू
343 74 इक्वल्स टू 2401 75 इक्वल्स टू 16807 7 पावर 6 इक्वल्स टू 117649। देखिए यहाँ से फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। आफ्टर 4 साइकिल साइक्लिसिटी ऑफ 7 आफ्टर 4 साइकिल यूनिट डिजिट रिपीट कर दे रहा है। वैसे ही देखिए साइक्लिसिटी ऑफ 8 8 स्क्वायर 64 8 क्यूब 512 84 4096 ऐसे 8 पावर 5 इक्वल्स टू 32768। तो देखिए आफ्टर 4 साइकिल यहाँ पे रिपीट कर जा रहा है, तो इसका भी जो साइकिल पीरियड हो जाएगा वो 4 हो जाएगी। देखिए साइक्लिसिटी ऑफ 9 9th पावर 1 इक्वल्स टू 9 9th पावर 2 इक्वल्स टू 81 9th पावर 3 इक्वल्स टू 729 9th पावर 4 इक्वल्स टू 6561। तो देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, 9th पावर ऑड यूनिट डिजिट विल बी 9, 9th पावर इवन यूनिट डिजिट 1। तो देखिए जो मेरा 4 का जो कंडीशन था लगभग वैसा ही मेरा 9 का कंडीशन है। 4 में क्या था कि अगर 4th पावर ऑड होता तो यूनिट डिजिट मेरा 4 होता, और 4th पावर इवन होता तो यूनिट डिजिट हमारा 6 होता। वैसे ही 9 का अगर 9th पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9, वैसे ही 9th पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। देखिए इसको अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल है फाइंड यूनिट डिजिट डिजिट ऑफ 4th पावर 69 इंटू 6th पावर 5। तो देखिए हमारे पास जो 4 का जो कंडीशन था, 4 का साइक्लिसिटी ऑफ 4, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था कि 4th पावर ऑड अगर होता है तो हमारा यूनिट डिजिट 4 होती है, अगर 4th पावर इवन होती है तो हमारे पास यूनिट डिजिट हो जाती है 6। और वैसे ही 6 का क्या कॉन्सेप्ट है कि 6th पावर एनीथिंग तो यूनिट डिजिट विल बी 6। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको 4th पावर 69 इंटू 6th पावर 5। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसका क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे 4th पावर 69 है, मीन्स ऑड है, और यहाँ पे 6th पावर 5 है। तो यहाँ पे 4th पावर ऑड मीन्स यूनिट डिजिट 4, और यहाँ पे 6th पावर एनीथिंग तो यूनिट डिजिट विल बी 6। तो यहाँ पे 4 × 6 = 24। तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट जो निकल कर आई, यूनिट डिजिट
ये हमारे पास 4 निकल कर आई। देखिए इसी टाइप से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 133 टू पावर 63 इंटू 4 टू पावर 49। फाइंड यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसका लास्ट जो यूनिट डिजिट है 3, तो यहाँ पे मैं 3 टू पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसका जो साइक्लिसिटी होती है उसके हिसाब से देख लेंगे। 3 टू पावर 36 इंटू 4 टू पावर 49। देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट था, 3 का जो साइक्लिसिटी था वो 4 था, तो यहाँ पे 4, तो इसको अगर देखते हैं तो 4 इसका साइक्लिसिटी था, तो 63 पावर में है, तो इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 5 3, तो 3 मेरा बच रहा है यहाँ पे, तो 3 टू पावर 3 इंटू 4 टू पावर क्या है, ऑड है, 4 टू पावर ऑड, यूनिट डिजिट क्या निकल कर आएगी, 4, तो यहाँ पे 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू पावर 3 मीन्स 27 इंटू 4, 27 में जो यूनिट डिजिट मेरा है 7 है, तो 7 इंटू 4, यहाँ पे 7 इंटू 4 मीन्स 28, तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट निकल कर आ रही है वो 8 आ रही है, तो इसका जो यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारे पास, यूनिट डिजिट इस नंबर का हो जाएगा 8। देखिए रिमाइंडर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें केस फर्स्ट लिए हुए हैं हम, इसमें 2 केसेस लेकर देख रहे हैं। केसेस फर्स्ट में क्या है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय ए बी एंड सी, इफ वी गेट ए माइनस के बी माइनस के एंड सी माइनस के एज रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली, देन दैट नंबर विल बी एन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी माइनस के। और दूसरा केस क्या है मेरा, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर ए बी एंड सी, इफ वी गेट के एज रिमाइंडर ऑलवेज, देन दैट नंबर विल बी एन माइनस वन इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी प्लस के। तो देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमारे पास जो एग्जांपल है, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 4, 5 एंड 6 वी गेट थ्री फोर एंड फाइव एज रिमाइंडर। फाइंड द नंबर, तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये केस पहले का एग्जांपल है। देखिए हमारे पास जो नंबर दिया हुआ है, ये हो गया ए की वैल्यू, ये हो गया बी की वैल्यू, ये हो गया सी की वैल्यू, और इसको अगर तोड़ के लिखते हैं हम इस वाले फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1, यहाँ पे 5 माइनस 1, यहाँ पे 6 माइनस 1। तो देखिए मेरा वही कॉन्सेप्ट आ गया, ए माइनस के बी माइनस के सी माइनस के, तो यहाँ पे हमारे पास जो के की वैल्यू है ये 1 के बराबर है, तो इसको अगर फार्मूला में डायरेक्ट पुट करते हैं तो मेरा नंबर जो मिलेगा, देखिए n इंटू एलसीएम ऑफ ए बी सी मीन्स 4, 5 एंड 6 माइनस के, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, n इंटू एलसीएम ऑफ 4, 5, 6 का कितना हो जाएगा एलसीएम, इसका एलसीएम हमारे पास है 60 माइनस के की वैल्यू 1, तो हमारे पास एन की वैल्यू जो हमारे पास, मतलब कि जो मिनिमम जो वैल्यू आ जाएगी, जो मिनिमम वैल्यू जब एन की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, अगर एन की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहा है मिनिमम वो
59 आ रहा है। तो देखिए हमारे पास वही 59 नंबर है जो कि डिवाइडिंग है 4, 5 एंड 6 से, और हमारे पास जो रिमाइंडर जो बचेंगे 3, 4 एंड 5 बचेंगे। और हम दूसरा केस का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे केस नंबर दूसरा का एग्जांपल है हमारे पास, देखिए ए बी सी की वैल्यू तो सेम है, इसको भी चेंज करते हैं यहाँ पे 5, 6 एंड 7। देखिए ए बी सी की वैल्यू जो हमारे पास है 5, 6, 7, वी गेट टू एज रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है ये तो के की वैल्यू है 2। देखिए ये जो हमारे पास जो वैल्यू है के की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है। तो फार्मूला क्या है मेरा नंबर निकालने का, एन माइनस वन इंटू एल सी एम ऑफ ए बी सी 5, 6, 7 प्लस के। तो यहाँ पे एन माइनस वन इंटू एल सी एम ऑफ 5, 6, 7, 5, 6, 7 का एल सी एम हमारे पास जो निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 5, 6, 7 का जो एल सी एम निकल कर आएगी वो 210। प्लस के की वैल्यू जो है हमारे पास 2 के बराबर है, तो एन जो हमारे पास जो मिनिमम एन की वैल्यू जो होगी वो 2 होएगी। तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर जो निकल कर आएंगे वो कितने आ जाएंगे, 2 माइनस 1 इंटू 210 प्लस 2। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 212। तो हमारे पास जो मिनिमम नंबर होगा वो 212 के बराबर हो जाएगा। ये केस नंबर दूसरे का एग्जांपल था। देखिए अगर हमें 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना है जिसमें कि यूनिट डिजिट मेरा 5 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। एन 5 स्क्वायर, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो इसका अगर स्क्वायर पूछ दिया तो एन मेरा 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, 1 to 9 सॉरी 0 to 9 नहीं, 1 to 9 कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि इस टाइप के क्वेश्चन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इतना हो जाएगा और 25 लग जाएगा इधर लास्ट में। तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए कि 65 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एन की स्थान पे है 6, तो 6 इंटू 6 प्लस 1 और यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो देखिए 6 इंटू 7 25 42 और 25, तो ये मेरा स्क्वायर हो जाएगा, 65 का स्क्वायर हो जाएगा 4225। तो इसी प्रकार से देखिए 85 का स्क्वायर देखते हैं, तो इसका हो जाएगा 8 इंटू 8 प्लस 1 और 25 लास्ट में, 25 लास्ट 2 डिजिट जो रहेगा 25 ही रहेगा। तो देखिए 8 इंटू 9 मीन्स 72 इंटू 25 7225। तो ये मेरा हो गया 85 का स्क्वायर। वैसे ही 95 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 95 का स्क्वायर देखते हैं, 9 इंटू 9 प्लस 1 25। तो देखिए 9 इंटू 10 25 तो रहेगा ही लास्ट में, तो देखिए 9025। ये मेरा 95 का स्क्वायर हो गया, 9025। यही था मेरा
कॉन्सेप्ट, इसको दिमाग में रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए बेस सिस्टम देख लेते हैं, बेस सिस्टम के बारे में ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। देखिए बेस सिस्टम, बेस सिस्टम जो बाइनरी के लिए जो हो जाएगा, बाइनरी बेस सिस्टम, बाइनरी बेस सिस्टम, इसका जो सिंबल हो जाएगा, दो ठो मेरा सिंबल हो जाएगा, टू सिंबल, सिंबल्स कौन कौन सा हो जाएगा, जीरो और वन, जीरो और वन। वैसे ही देखिए ऑक्टल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑक्टल बेस सिस्टम के लिए, ऑक्टल बेस सिस्टम में एट सिंबल्स हो जाएंगे। कौन कौन से सिंबल्स हो जाएंगे देखिए, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन। और वैसे ही देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए कितना हो जाएगा, हेक्साडेसिमल सिस्टम, सिक्सटीन सिंबल्स हो जाएंगे, सिक्सटीन सिंबल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जीरो टू नाइन, इसमें हो गया टेन, और टेन का जो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो ए हो जाएगा, और इलेवन का बी, ट्वेल्व का सी, थर्टीन का डी, वैसे ही फोर्टीन का हो जाएगा ई, और फिफ्टीन का एफ। ये मेरा हो गया टेन यहाँ से, जीरो टू नाइन यहाँ पे है, पाँच यहाँ पे, छः, छः यहाँ पे, ए बी सी डी ई एफ, तो टेन और सोलह सिंबल्स हो गए टोटल। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी बेस सिस्टम है हमारे पास, अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, अगर एनी बेस सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसका देखिए क्या कॉन्सेप्ट होता है। एनी बेस सिस्टम टू डेसिमल, डेसिमल बेस सिस्टम, अगर कन्वर्ट करना है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए मान लीजिए कि ए बी सी डी पॉइंट, जी एफ, ऐसे कुछ करके है, तो देखिए इसका मान लीजिए कि बेस सिस्टम है बी, मान लीजिए कि बी इसका बेस सिस्टम है कैपिटल बी, तो इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसको कैसे करेंगे। देखिए इसको करेंगे जीरो वन टू थ्री, तो ए इंटू बी टू द पावर जीरो प्लस बी इंटू बी टू द पावर वन प्लस सी इंटू बी टू द पावर टू प्लस डी इंटू बी टू द पावर क्यूब। अब दशमलव के बाद वाला जो होगा उसको कैसे करेंगे, देखिए उसको करेंगे प्लस, देखिए जी है जी इंटू बी टू द पावर माइनस वन करेंगे, प्लस एफ है एफ इंटू बी टू द पावर माइनस टू। ये मेरा हो गया डेसिमल में, ये मेरा जो सिस्टम हो गया ये डेसिमल बेस टेन। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं,
वन टू थ्री फोर पॉइंट फाइव सिक्स, बेस है एट, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है बेस टेन में। तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे, जीरो वन टू थ्री, वन इंटू एट टू पावर थ्री प्लस टू इंटू एट का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एट देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, देखिए डी टू पावर जीरो, डी टू पावर वन टू थ्री ऐसे होता है, देखिए एट प्लस फोर इंटू एट पावर जीरो प्लस फाइव इंटू एट पावर माइनस वन प्लस सिक्स इंटू एट पावर माइनस टू। तो यहाँ से जो मेरा डेसिमल में जो निकल कर आएगा वो कितना आ जाएगा, सिक्स सिक्स एट पॉइंट सेवन वन एट सेवन फाइव जीरो, ये बेस टेन में निकल कर आ गया मेरा, ये डेसिमल में आ गया। अब देखिए डेसिमल टू अदर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए डेसिमल टू अदर डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मुझे दिया गया है वन फोर नाइन बेस टेन में और इसको कन्वर्ट करना है बेस सेवन में। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए वन फोर नाइन इसको सेवन में कन्वर्ट करना है, तो देखिए इसका जो रिमाइंडर आएगा, देखिए यहाँ पे सात दुना चौदह और सात एकम सात इक्कीस, यहाँ पे जो रिमाइंडर जो निकल के आएगा यहाँ पे देखिए टू आ जाएगा रिमाइंडर, तो फिर सत्तरी इक्कीस थ्री रिमाइंडर जीरो। तो यहाँ पे जो इसका वन फोर्टी नाइन का जो डेसिमल में था ये, इसको अगर सेवन में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस तरफ से इधर जाएंगे तो थ्री जीरो टू, ये बेस सेवन में आ गया। इसी तरह से एक और देख लेते हैं एग्जांपल, फोर थ्री टू बेस सेवन, अब इसको ऐड करना है थ्री डबल फाइव बेस सेवन, ये लोग दोनों को ऐड करना है दोनों को ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे देखिए, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे होगा, देखिए मान लीजिए कि हमारे पास जो गिवन है फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, फोर थ्री टू, देखिए ये है बेस सेवन में और इसको ऐड करना है थ्री फाइव फाइव बेस सेवन में ही। तो देखिए अगर देखिए यहाँ पे फाइव प्लस टू कितना हो गया सेवन, तो जैसे मैं डेसिमल में अगर टेन आता है तो टेन का मैं कितना लिखता हूँ जीरो, और जो हमारे पास जो
कैरी निकल कर आता है वो वन होता है। तो देखिए यहाँ पे वैसे ही बेस सेवन के लिए क्या हो जाएगा, फाइव प्लस टू सेवन हो गया, तो सेवन के लिए जीरो हो जाएगा, कैरी निकल कर वन हो जाएगी। तो देखिए वैसे ही पाँच और तीन आठ और एक कैरी वाला जो था मेरा नौ, तो नौ मेरा क्या रिप्रेजेंट करेगा, नाइन माइनस सेवन करेंगे तो टू, टू हो जाएगा कैरी वन। तो वैसे ही देखिए फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन और वन मेरा जो कैरी था, वन जो मेरा कैरी था ओ, तो यहाँ से कितना आ गया सेवन एट मीन्स वन, और वन जो कैरी था, तो हमारे पास जो कैरी जो निकल कर आएगी वो कैरी हो जाएगी वन वन। तो यहाँ पे देखिए कैरी जो निकल कर आई वो हमारे पास वन हो गई। यही था मेरा बेस कॉन्सेप्ट। अगर इसको देखिए डेसिमल में कन्वर्ट करके देखते हैं कितना आता है, देखिए फोर बेस सेवन है, अगर इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो देखिए जीरो वन फोर इंटू सेवन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू सेवन प्लस टू इंटू सेवन का स्क्वायर, सेवन की पावर जीरो, टू इंटू सेवन की पावर जीरो। तो यहाँ से अगर डेसिमल में देखते हैं तो कितना आ गया, उनचास दो सौ एक सौ छियानवे, छियानवे प्लस सत्तर इक्कीस प्लस टू नाइन, टू नाइन इलेवन एट, और यहाँ पे थ्री फाइव फाइव, इसको अगर सेवन में है अगर इसको टेन में कन्वर्ट करना है, ये बेस टेन में हो गया, फिर इसको बेस टेन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री इंटू सेवन स्क्वायर प्लस फाइव इंटू सेवन प्लस फाइव इंटू सेवन की पावर जीरो, उनचास एक सौ सैंतालीस चौदह, एक सौ सैंतालीस प्लस पैंतीस प्लस पाँच, पाँच पाँच दस, सत्रह के साथ एक तीन सात और एक आठ और एक, देखिए ये हो गया टेन में। तो अगर ये और ये अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, दो सौ उन्नीस और एक सौ सत्तासी, छः आठ एक नौ, नौ दस तीन और एक चार, चार सौ छः हो गया बेस टेन में। अगर इसको सेवन में ही कन्वर्ट करना चाहता हूँ अगेन, तो इसको देखिए किस तरह से करेंगे सेवन में कन्वर्ट, फोर जीरो सिक्स सेवन, सात पच पैंतीस पाँच, सात पच पैंतीस, सात पच पैंतीस यहाँ पे पाँच फिफ्टी सिक्स, सतहठ छप्पन, सतहठ छप्पन, ये पूरा पूरा रिमाइंडर जीरो सेवन सात, सतहठ छप्पन रिमाइंडर टू सेवन एक रिमाइंडर वन। देखिए ये मेरा बेस सेवन में कितना आ गया, वन वन टू जीरो, ये हो गया बेस सेवन में। देखिए सेम आ गया आंसर, यहाँ पे देखिए वन वन टू जीरो, और यहाँ पे भी आया मेरा वन वन टू जीरो। यही था मेरा बेस का कॉन्सेप्ट।